हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका GTA 5 की एक और धमाकेदार वीडियो में। और आज की वीडियो भाई इतनी धमाकेदार होने वाली है, कि ना जाने कितनी धमाकेदार होने वाली है, मेरे को भी नहीं पता। क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं तो बहुत ही तगड़ी सुपर कार का स्पीड टेस्ट और बाकी ब्रेक टेस्ट वगैरह भी करके देखेंगे हम। तो सबसे पहले मैं दिखा दूंगा आपको कौन कौन सी वो कार्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है लैम्बोर्गिनी सियान, जो कि आप देख सकते हो भाई। इस गाड़ी को एक बंदे ने बहुत फेमस करा था। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में गैस करके मेरे को बताना कि किसने करा था, मतलब GTA 5 के अंदर ही करा था। और दूसरी हमारी है फरारी। भाई फरारी मेरे को इतनी खतरनाक लग रही है ना, क्या बताऊँ। फिलहाल इन दोनों कार को हम लेके जाने वाले हैं रेस ट्रैक पे, जो कि एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा रेस ट्रैक होगा। और उसमें जाके हम इसकी स्पीड टेस्ट करेंगे दोनों की, कि कौन सी कितनी देर में कितनी की स्पीड पकड़ती है, ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है, दोनों को फुल कंपैरिजन करने वाले हैं। और यार फरारी देखो, तुम आवाज़ सुनो फरारी की। ओ भाई ये देखो पटाखे मार रही है भाई। यार ये गाड़ी तो फुल खतरनाक है। एक बार मैं आपको लैम्बोर्गिनी की भी आवाज़ सुना देता हूँ। वैसे मैं रेस ट्रैक पे तो वैसे सुन ही लोगे आप, जब इसको हम भगाएंगे। एक्चुअली भगेंगी नहीं है, दौड़ेंगी। और आई थिंक ये दौड़ेंगी भी नहीं है, उड़ेंगी। लेकिन यार एक बात है, फरारी लेकिन ये लैम्बोर्गिनी का जो पिकअप है ना, ये देखो हन की तरह से फुल ड्रिफ्ट मारती है। ओ भाई भाई साहब, इसके पटाखे ज़्यादा तगड़े हैं यार। इन दोनों गाड़ियों को हम करने वाले हैं कंपैरिजन स्पीड टेस्ट। और मेरे पास एक ट्रेलर है, इस ट्रेलर में मैं इसको लेके जाने वाला हूँ। ये ट्रेलर इसे गैराज वाले का है, तो मैंने इसे परमिशन ले लिया कि मेरे को इस गाड़ियों को वहाँ तक पहुँचाना है। क्योंकि अकेला बंदा हूँ मैं, दोनों गाड़ी तो चला नहीं सकता, इसलिए मैं एक ही ट्रेलर में डाल के और इस ट्रेलर को ही लेकर चला जाऊँगा। और साथ में मैंने क्या करा है, देखो इसकी और भी सुपर कार्स है जो कि इसमें लोड पड़ी है, तो इनको भी मैं लेके जाने वाला हूँ। तो फटाफट से पहले मैं इसको इसमें कर लेता हूँ लोड। यार डैशबोर्ड देखो यार, एक बार तुम अंदर का इंटीरियर देखना। ये देखो फुल RPM भाई साहब, फुल मजे। तो फटाफट से इसको पहले हम करते हैं अंदर। ओके 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 भाई, चलो ठीक है। ये तो हो गई हमारी लैम्बोर्गिनी अंदर। अब मैं एक काम करता हूँ फटाफट से, ऊपर वाले उसमें मेरे को लगाना पड़ेगा जैक, उसमें लगा के इसको भी ऊपर चढ़ा देता हूँ। ओके तो फाइनली मैंने फरारी को भी, वो देखो, अरे यार मैं उसका गेट बंद करना भूल गया। चलो वो तो मैं कर दूँगा, रिमोट से हो जाता है इसका गेट बंद। तो दोनों गाड़ियों को मैंने चढ़ा दिया अभी मैं। अरे ये देखो लैम्बोर्गिनी भाई सड़क रही है यार। चलो मैं इसको चढ़ा देता हूँ और मैं सीधा आपको मिलता हूँ रेस ट्रैक पे, और चल इनका करते हैं हम कंपैरिजन। ओके तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ अपनी दोनों गाड़ियों को लेकर रेस ट्रैक पे। ट्रेलर हम वापस कर चुके हैं, गाड़ियाँ हमारी यहाँ पे खड़ी है। और भाई यार एक बार आप गाड़ी देखो, फरारी देखो, उसका पीछे का जो लुक है ना, वो मेरे को इतना खतरनाक लगता है ना। तो अब फटाफट से हम करते हैं सबसे पहले इन दोनों का स्पीड टेस्ट, के कौन सी कितनी तेज भाग सकती है, उसकी लास्ट स्पीड क्या है। तो आई थिंक हमको इससे शुरू करना चाहिए, आधा पादा कौन पादा देखे ताकत किसमें ज़्यादा। तो भाई हम करने वाले हैं फरारी से स्टार्ट। तो फटाफट से बैठते हैं फरारी के अंदर। और एक बार ये देखो स्पीडोमीटर मैंने चालू कर दिया, आप स्क्रीन पे लगा दिए ताकि आपको सब दिखता रहे। मारते और अब करते हैं इसको चालू। ओके सो पहले हम लेके आते हैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट पे। ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। 1, 2, 3 लेट्स गो। ओ भाई 100, 120, 140, 180, 200, 220। ओ भाई साहब 240, 260। भाई यार इसकी तो स्पीड ही खत्म हो गई, इस तरह तो इसमें है ही नहीं स्पीड। ये देखो एक बार तू 260 जा रही है भाई साहब। तो कौन करता हूँ मैं ना, इसका स्पीडोमीटर आपको चेंज करके दिखाता हूँ, इसमें डिजिटल वाला हो ताकि हम अच्छे से इसकी स्पीड का पता लगा सकें। पहले तो मैं इसको रोकता हूँ। ओ भाई ये बहुत बढ़िया था यार, ये बढ़िया था। रुको मैं पहले इसको ना रोकता हूँ, इसका मैं एक बार मीटर आपको चेंज करके फिर दिखाता हूँ कि कितनी जाती है। ओके तो फिलहाल मैंने इसका मीटर चेंज कर दिया है। अब एक बार इसको फिर से हम टेस्ट करने वाले हैं यहाँ से। 1, 2, 3 लेट्स गो।
भाई 100 100 तो 150 तो यार ऐसे ही जा रही है, देखना 200 220 230 240 250 जा चुके हैं भाई, 260 से ऊपर भी जा रही है, देखो उसमें स्पीड नहीं दिख रही थी ऊपर, यहाँ पे देखो भाई 270 280 300 टच कर पाएगी, मेरे को नहीं लगता कर पाएगी, आई डोंट थिंक सो के 300 कर पाएगी वो भाई, 301 303 305 306 10 भी हो गई, 12 20 चाहिए, 20 भी चली जाएगी आई थिंक, ओ हमारी लैम्बोर्गिनी बच गई 225, ओके ओके लास्ट भी जा सकती है भाई, मैंने फुल रेस दे सक दे रखी इस टाइम पे, गेयर सारे लगे पड़े हैं, ये देखो यार तुम 300 आई थिंक आगे टर्न है, आगे टर्न है भाई, मेरे को स्लो करनी पड़ जाएगी शायद, नहीं टर्न नहीं है, ओके तो भाई ये रही है लास्ट 323, ठीक है चलो, तो इसकी अगर स्पीड हम बात करें तो ये हाईएस्ट गई है 330 किलोमीटर पर आवर, अब मैं दिखाता हूँ आपको पावर ऑफ लैम्बोर्गिनी के भाई वो कितनी जाती है, तो फटाफट से चलते हैं अपनी लैम्बोर्गिनी के पास, फिर दिखाता हूँ आपको कि लैम्बोर्गिनी में कितनी ताकत है, हालांकि फरारी भी किसी से कम नहीं है, बट लैम्बोर्गिनी भाई लैम्बोर्गिनी, और वो वाली जो लैम्बोर्गिनी हमने वहाँ खड़ी कर रखी है ना, उसकी पावर तो भाई अल्टीमेट अनबीटेबल है जहाँ तक मेरे को लगता है, बाकी तो खैर उसी टाइम ही पता चलेगा, ये देखो 300 ये भी अभी तक जा चुकी है, ओके तो हम आ चुके हैं लैम्बोर्गिनी के पास, अब दिखा दूं मैं आपको लैम्बोर्गिनी की पावर, फटाफट से बैठते हैं लैम्बोर्गिनी में, ओके सो उसको लेते हैं हम आगे, आगे क्या खैर क्या ही लेना, तो एक दो तीन लेट्स गो भाई 100, ये थोड़ी स्लो गई है उससे, 150 200 भाई यार मेरे को तो लगा था इसमें ज़्यादा पावर होगी, बट आई थिंक इसमें थोड़ी कम है भाई साहब, 200 यार ये तो रह गई, ये नहीं जा पा रही भाई, नहीं, इसमें कुछ तो गड़बड़ है यार, कुछ तो गड़बड़ है, लैम्बोर्गिनी ऐसा नहीं कर सकती भाई, मैं नहीं मानता कि लैम्बोर्गिनी ऐसा कुछ कर पाएगी, मेरे को एक बार इसको चेक करना पड़ेगा, मेरे को लगता है तो इसके स्पीड कम करेगी, अरे यार नॉर्मल गाड़ियों में 200-250 की स्पीड होती है, इसमें तो फिर भी 230 है, मैं एक बार चेक करता हूँ, ओके तो इसमें दिक्कत थी कुछ, उस दिक्कत को मैंने ठीक कर दिया है, एक्चुअली इसका जो स्पीड का एक लिमिट होती है वो सेट थी, उस लिमिट को भी मैंने मतलब जो इसकी एक्चुअल स्पीड है उसमें कन्वर्ट कर दिया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ उसको स्पीड का अंदाजा, ये देखो अब तुम 100 150 200 भाई 250 यार पड़ी अभी भी कम जा रही है, तो ऐसे कैसे हो सकता है भाई, 250 गई है ये भी, 251 252 ये पार कर पाएगी, मेरे को नहीं लग रहा ये कि फरारी को हरा पाएगी यार, भाई मैं नहीं मानता यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो गलत है यार, ये ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, मेरे को लग रहा है अभी भी वो चीज़ एक्टिवेट नहीं हुई है, मेरे को नहीं लगता कि उसको एक्टिवेशन कुछ हुआ है, नहीं भाई नहीं कुछ तो गड़बड़ है इधर, मेरे को लगता है इतनी ही जाएगी, चलो कोई नहीं, अब हम एक काम करते हैं, अब हम करते हैं इसका स्पीड टेस्ट, स्पीड टेस्ट करेंगे हम, वो सामने वो तो दिख रहा है आपको गोल वाली रिंग, वहाँ पे जाते ही हम इस पे ब्रेक मारेंगे, फिर हम देखेंगे कितनी अंदर तक जाके ये रुकी है, स्पीड स्पीड का हम तभी देख लेंगे, स्पीड हम 200-250 की रेंज में ही रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे, फरारी की भी इतनी रखेंगे हम, तो फिलहाल हमारी 200 हो गई है, 250 तक आई थिंक वहाँ तक पहुँच जाएगी, फिर हम मारते हैं इसमें ब्रेक, पहुँचेगी 250 मेरे को नहीं लगा, आई थिंक पहुँच तो जानी चाहिए, ओके ओके भाई 250 पहुँच चुकी है, 2-3 आगे भी चले कोई दिक्कत नहीं है, 254-255 के करीब पहुँच जाएगी, ठीक है हम मारते हैं इसकी ब्रेक हम, एक ये भाई साहब ब्रेकिंग सिस्टम तो उसको बहुत तगड़ा है, देखो सिर्फ इतनी दूर में रुक गई है 250 की स्पीड में, ये तगड़ा था भाई ब्रेकिंग सिस्टम तो तगड़ा था, मेरे को नहीं लगता ब्रेकिंग सिस्टम में फरारी इसको हरा पाएगी, कोई नहीं इसको भी अभी हम देख लेते हैं, स्पीड में तो फरारी ने हरा दिया इसको, बट ब्रेक में देखते हैं हम कि क्या ये जीत पाएगी फरारी से, नहीं जीत पाएगी, तो फटाफट चलते हैं अपनी फरारी के पास,
यार, लेकिन मेरे को इससे ज़्यादा उम्मीद थी यार, मेरे को नहीं पता था कि ऐसी निकलेगी। तो सारी कवाड़ा, खैर कवाड़ा तो नहीं बोलना चाहिए, पर इससे मेरे को ज़्यादा उम्मीद थी। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हम दूसरी कार वगैरह अगर ट्राई करेंगे। और यार, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको कोई सजेशन हो लाइक हम अगली वीडियो में किन कार्स का कंपेरिजन करें, तो मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि हम अगली वीडियो में उन गाड़ियों का कंपेरिजन कर सके। कोई सी भी गाड़ी हो, चाहे वो अपनी इंडियन कार्स क्यों ना हो, हम सब कर देंगे, बस आप एक बार बता देना मेरे को। ओके, तो चलते हैं इसको लेके। यार इसका पिकअप बहुत तगड़ा है, देखो हल्की सी रेंज देती है, 100 तो ये ऐसे ही जाती है, 200 भी देखना ऐसी पहुंच गई। यहाँ तक उसकी पहुंचने में हालत ख़राब हो गई थी लैम्बोर्गिनी की, 250 तो इसके लिए हलवा हो गया भाई। ये देख, इतनी स्पीड में हम 200 कितने पहुंचने वाले हैं। लेकिन कोई नहीं, हम फेयर कंपेरिजन रखेंगे, हम इसको 255 250 की स्पीड पर ब्रेक मारेंगे। ओके, तो मैं थोड़ी स्पीड कम करता हूँ, हाँ आई थिंक ये ठीक है। ओके, अब मारते हैं हम इसकी ब्रेक, गो भाई। यार इसका ब्रेकिंग सिस्टम भी तगड़ा है, बट ओके ये देखो यार, ये थोड़ी सी ना इस चीज़ में भी जीत चुकी है, क्योंकि हमारा देखो लैम्बोर्गिनी के जो निशान थे वो यहाँ आए थे जो हमने ब्रेक मारे थे, और वो अभी भी पीछे है, यहाँ पे है, जबकि सेम स्पीड पे हमने ब्रेक मारे दोनों गाड़ियों के। तो भाई आज की जो विनर है वो है हमारी ला फरारी। तो इस वीडियो की विनर हुई हमारी फरारी, उसको हम थोड़ा तोड़ लेते हैं, मरोड़ लेते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो करना है लाइक और करना है शेयर। चैनल पे नए हो चैनल पे कर देना सब्सक्राइब, और मेरे को बताना अगली वीडियो में किस गाड़ियों का कंपैरिजन करें, मेरे को बताना एक बार क्या क्या और कंपैरिजन कर सकते हैं हम, वो भी चीज़ें मेरे को बताना। हम थोड़ा ट्राई करेंगे कुछ अलग करने का, और ठीक है। तो तब तक के लिए मौज लो, रोज लो, ना मिले तो जाके कहीं खोज लो।